Assalamualaikum students, this is your English teacher. I hope you all are fine, doing well. So first of all, now we are going to read our second chapter, second unit, which is a poem. For the poem, you have to open page number 11. This is your page number 11, and the poem name is Stopping by Woods on a Snowy Evening. और ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखी है. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोम एंड वी आर गोइंग टू रीड इट आउट टूडे. वर्ड्स टू नो, ये जो बॉक्स है ना स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि उन वर्ड्स के लिए जो हमारे लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन कर दिए जाते हैं. डार्केस्ट इवनिंग, डार्केस्ट इवनिंग मतलब बहुत गहरी शाम को कहते हैं. आपने देखा होगा ना विंटर के सीज़न में, यानी सर्दियों में शाम बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो डार्केस्ट इवनिंग जो है उससे रेलेवेंट है, उससे जो है मुशाबहत रखता है. डाउनी, लाइक डाउन द सॉफ्ट अंडर फेदर्स ऑफ यंग बर्ड्स, यानी डाउनी कहते हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना. सॉफ्ट से फेदर्स होते हैं बर्ड्स के, उन्हें डाउनी भी कहा जाता है. फ्लेक किसे कहते हैं स्टूडेंट, अ स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो, फ्लेक्स. ये आपने देखा भी होगा कि इस तरह से स्नो बना हुआ होता है ना, स्नो के जो बर्फ़ के जो वो होते हैं ना स्नो फ्लेक्स, उन्हें कहते हैं बर्फ़बारी को, अलग अलग उसके जो ज़र्रे होते हैं उन्हें कहते हैं स्नो फ्लेक्स. हार्नेस द लेदर स्ट्रैप एंड बेल्स यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स, ये आपने देखे होंगे कि आपने घोड़े को, आपने देखा होगा कि उसको जो कंट्रोल करने के लिए पट्टे होते हैं उन्हें कहा जाता है हार्नेस. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पोम. हुज वर्ड्स दीज आर, आई थिंक आई नो. हिज हाउस इज इन द विलेज, सो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विथ स्नो. ये जो पैराग्राफ है, पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि हमें आगे की जो है वो पोम समझ आ जाए. ये जो वर्ड्स हैं ये किसके हैं, शायद मैं जानता हूँ, यानी वो जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ये जितने ये जो वर्ड्स, यानी ये जो फॉरेस्ट है ये किसका है, ये मैं शायद जानता हूँ, और उस शख्स का घर यहीं कहीं गाँव में आस पास है, और वो ये भी जानते हैं कि वो मुझे यहाँ पे रोक के अपने वुड्स, यानी उसकी जो लकड़ियाँ थीं और जो फॉरेस्ट था उसे देखने नहीं देगा, जो कि किससे फिल अप हुई हुई थी, जो कि बर्फ़बारी से फिल हुई हुई थी. माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, the darkest evening of the year. अब वो क्या कह रहे हैं कि उस उनके हॉर्स को जो है वो बहुत जो है वो तफ्तीश होगी कि ये ऐसी सुनसान जगह पे जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो क्यों रुक गए हैं, जहाँ ना कोई जो है वो फार्म हाउस है और एक सर्द से जो है वो लेक, इसे कहते हैं झील के पास ना, लेक कहते हैं झील को, उस झील के पास रुक गए हैं जहाँ बहुत ठंडक है और शाम भी ढलती जा रही है. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. अब उन्होंने क्या कहा कि वो जो उनका हॉर्स था ना, वो अपनी बेल्स को शेक कर रहा था, यानी उन बेल्स से आवाज़ बना रहा था और पूछ रहा था कि क्या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है जो हम यहाँ इस तरह से रुक गए हैं, और इसके अलावा, यानी उन हार्नेस बेल्स के अलावा जो साउंड वहाँ पे मौजूद था वो किसका था, वो जो स्नो फ्लेक्स आसमान से ज़मीन की तरफ गिर रही थी उसका साउंड था हवा के साथ. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप
एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. वो जो वर्ड्स थे, वो जो दरख्त थे, वो बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत, डार्क और डीप. लाइक स्टूडेंट्स, जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही है और जहाँ पे जो है वो दरख्त भी मौजूद हैं, और आप अपने हॉर्स के साथ जो हैं वो बग्गी में जा रहे हैं, एंड आप जो है स्नो फ्लेक्स को गिरते हुए देख रहे हैं, और शाम भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है. सो हाउ डू यू फील? इज़ इट पीसफुल? इज़ इट इट गिव्स यू प्लेजर? तो इस तरह से जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ से उन्हें जाना पड़ा. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे जो उन्हें निभाने थे, और सोने से पहले उन्हें वो जो प्रॉमिसेस थे उन्हें फुलफिल करने थे. सो स्टूडेंट्स, आई यू हैव टू रीड द पोम एज वेल बाय योर सेल्फ and think about this poem on a vast area, and after that I'm going to give you work of it. Till then, make title page of Stopping by Words on a Snowy Evening. Thank you.